हेलो गाइस, तो आज हम बना रहे हैं ईच स्पेशल डिश। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। ये है बटर और राइट राइट का हमने क्रश किया है, ये भी हमने क्रश किया राइट को, और ये कॉफ़ी है, और ये राइट को हम क्रीम है, और ये पाइनएप्पल है, कंडेंस मिल्क है, और ये क्रीम है। तब तो शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले मैं बटर को ऐसे कर देता हूँ और राइट को भी। तो अगर ये रेडी हो गया राइट और बटर, तब हम इसको ग्लास के अंदर डाल देते हैं। तो अगर ये वाला ग्लास रेडी हो गया, ग्लास में डालना शुरू हो जाते हैं। तो गाइस अब हम सारे ग्लास फिल कर देंगे ऐसे ऐसे करके। तो गाइस मुझे ये स्वीट डिश बनाने में बहुत मजा आ रहा है। दो गाइस आप भी इसको ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको मेरी स्वीट डिश पसंद आएगी। तो आप बनाएंगे तो मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी है। तो कल अब ये वाला ग्लास भी रेडी हो गया। अगले ग्लास में चले जाते हैं। अंदर कंडेंस मिल्क डालते हैं। तो कल हमने कंडेंस मिल्क डाल दिया, तो अब हम इसके अंदर कॉफी डाल देंगे 1 टेबल स्पून। हम इसके अंदर क्रीम भी डाल दिया हमने। तो हम इसको मिक्स करते हैं। वाले बहुत मजे की लग रही है अभी तो। और तब मैं तब ये बन जाएगी तो आपको मैं बताऊंगा कैसी बनी है। ईच स्पेशल डिश है, मेरे घर वालों को बहुत अच्छी लगती है ये डिश, तो इसलिए मैं इसको बनाता हूँ। तेरे कॉकटेल ला देते हैं। व्हाइट बिस्किट डाल लेंगे थोड़े से चम्मच। कहे तो आप भी जो बाकी बिस्किट बच रहे हैं ना, उसको हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। तब हम मिक्स करते हैं उसको। तो गाइस हमारे सारे ग्लासेस डन हो गए। तो हम इसके अंदर बिस्किट डाल देंगे राइट में।
आज हमारी आप ईद स्पेशल स्वीट डिश रेडी है। तो आप हमारी वीडियो पसंद है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को जरूर से दबाएं। अल्लाह हाफिज। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज। हेलो गाइस, तो आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल डिश। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। ये है बटर और राइट राइट का हमने क्रश किया है, ये भी हमने क्रश किया राइट को, और ये कॉफ़ी है, और ये राइट को हम क्रीम है, और ये पाइनएप्पल है, कंडेंस मिल्क है, और ये कई क्रीम है। तब शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले मैं बटर को ऐसे कर देता हूँ और राइट को भी। तो अगर अब ये रेडी हो गया राइट और बटर, तो अब हम इसको ग्लास के अंदर डाल देते हैं। तो अगर अब ये वाला ग्लास रेडी हो गया, वो ग्लास में डालना शुरू हो जाते हैं। तो गाइस अब हम सारे ग्लास फिल कर देंगे ऐसे ऐसे करके। तो गाइस मुझे स्वीट डिश बनाने में बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस आप भी इसको ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको मेरी स्वीट डिश पसंद आएगी। तो आप बनाएंगे तो मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी है। तो कल अब ये वाला क्लास भी रेडी हो गया, अगले क्लास में चले जाते हैं। अंदर कंडेंस मिल्क डालते हैं। तो कल हमने कंडेंस मिल्क डाल दिया, तो अब हम इसके अंदर कॉफी डाल देंगे 1 टेबल स्पून। अब इसके अंदर क्रीम भी डाल दिया हमने। तो कल हम इसको मिक्स करते हैं। गाजर बहुत मजे की लग रही है अभी तो, और तब मैं तब ये बन जाएगी तो आपको मैं बताऊंगा कैसी बनी है। ईद स्पेशल डिश है, मेरे घर वालों को बहुत अच्छी लगती है ये डिश, तो इसलिए मैं इसको बनाता हूँ। फिर कॉकटेल ला देते हैं। व्हाइट बिस्किट डाल लेंगे थोड़े से चम्मच। कहे तो आप भी जो बाकी बिस्किट बच रहे हैं ना, उसको हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। तब हम मिक्स करते हैं उसको। तो गाजर में हमारे सारे ग्लास से डन हो गया। तो हम इसके अंदर बिस्किट डाल देंगे राइट में।
आज हमारी अब ईद स्पेशल स्वीट डिश रेडी है। तो आप हमारी वीडियो पसंद है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को जरूर से दबाएं। अल्लाह हाफिज़। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।